वीडियो के स्टार्टिंग से आपको आइडिया लग गया होगा, आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे बीवी के ड्यूल पॉड्स F30 मॉडल को नॉइस के बड्स VS10 मॉडल से। दोनों के दोनों ईयरबड्स जो है वो सेम प्राइस सेगमेंट में आते हैं और दोनों के दोनों ईयरबड्स आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इन दोनों ईयरबड्स में से आपको कौन सा ईयरबड लेना चाहिए, और दोनों के दोनों जो ये ईयरबड्स हैं इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुए हैं तो आपको भी आइडिया लग जाएगा। अगर आप भी इन दोनों में से किसी को लेने का प्लान कर रहे थे तो आपको कौन सा लेना चाहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में आते हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स। आप देख पाएंगे लेफ्ट साइड में है बीवी का ड्यूल पॉड्स F30 मॉडल, ये इंडिया में भी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, और ये है नॉइस का बड्स VS10 मॉडल, इसको भी लॉन्च हुआ है अभी 1 या 2 महीने ही हुए हैं इंडिया में। दोनों के बॉक्स देख लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन को। तो कंपैरिजन के लिए मैंने दोनों के केस यहाँ पे रख दिए जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कैसे ये केस हैं। तो अगर इनबॉक्स आइटम्स की बात करें तो दोनों में आपको ईयर टिप्स मिल जाते हैं, केस मिल जाता है, ईयरबड्स मिल जाते हैं, मैनुअल मिल जाते हैं और वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है जिससे आप इसकी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। अगर डिज़ाइन की बात करें तो आपको मैं दोनों के केस दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे ये आपकी फिनिशिंग में आता है, कितनी फिनिशिंग इसकी अच्छी है, और ये आपका आता है मैट फिनिश में बीवी का F30 मॉडल। अगर आप दोनों की साइड में देखें तो आपको यहाँ पे दोनों में टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपको दोनों के केस अंदर से दिखाऊं तो आप देखेंगे इसका केस कुछ अंदर से ऐसा है, और इसके भी केस को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे अंदर से केस ऐसा है। तो दोनों का केस का आप आइडिया लगा सकते हैं। दोनों में एक चीज़ मिसिंग है, इसमें दोनों में आपको डिजिटल इंडिकेटर नहीं मिलता है, मतलब इससे आप आइडिया नहीं लगा सकते कि दोनों का बैटरी लेवल कितना है ईयरबड्स का। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे केस का जो F30 मॉडल है उसमें आपको दिख जाता है कि केस का बैटरी लेवल कितना है, तो अब यहाँ पे शो कर रहा है अराउंड 100%। मगर बात करें नॉइस के VS10 मॉडल की तो इसमें कहीं भी आपको ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं मिलता जिससे आपको आइडिया लग पाए कि बैटरी लेवल कितना है। अगर बैक साइड में दिखाऊं तो आपको यहाँ पे एक लाइट ग्लो करती है कि आपका जो ईयरबड्स है वो चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा अगर आप इनको यूज़ कर रहे होंगे, बट केस का बैटरी लेवल कितना है वो आपको नॉइस के VS102 मॉडल में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप डिज़ाइन देख लीजिए केस का कैसा है दिखने में, ये आपका आता है मैट फिनिश में और आपका आता है क्लीन फिनिश में, आप देख लेंगे दोनों कितने किस तरीके से हैं। अगर वेट की बात करूँ तो दोनों मोर और लेस सेम ही वेट के, कितना मेजर डिफरेंस दिखता नहीं है। अगर इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात करें तो आपको पहले मैं नॉइस की टेस्ट करा देता हूँ, तो आप देखेंगे तीसरे या चौथे बारी में ये गिर गए, एक बार फिर से करके देख लेते हैं। और अगर हम यही चीज़ अगर अभी F30 मॉडल पे टेस्ट करें तो ये फर्स्ट टाइम पे गिर गया। एक बार मैं फिर से इनको टेस्ट करके देख लेता हूँ, इनको रखते हैं केस में और टेस्ट करके देखते हैं, तो आप देख पाएंगे दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसी है। मैं दोनों केसेस को वापस ले आता हूँ और चीज़ों का समान ढंग से रख देता हूँ, तो आप देख पाएंगे दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसी है, और आपने को आइडिया लग गया होगा कि दोनों में दोनों की एक्सीलेंट नहीं है, बट F30 मॉडल जो बीवी का आता है उसके कंपैरिजन में नॉइस के VS10 मॉडल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है केस की। अगर ईयरबड्स के डिज़ाइन की बात करें तो दोनों के आपको ईयरबड्स भी एक बार पास ला के दिखा देता हूँ। तो अगर नॉइस के डिज़ाइन की बात करें तो ये आता है फ्लाईवर डिज़ाइन में, जो कंपनी ने अपना क्लेम किया फ्लाईवर डिज़ाइन, और अगर इसका देखें तो उसका स्टैंडर्ड डिज़ाइन आता है। अगर दोनों में आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है, आपको नॉइस में भी यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है जो अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है। चार्जिंग पॉइंट की देखें तो आपको नीचे की साइड यहाँ पे नॉइस में चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं और इसके केस में यहाँ पे मिलते हैं। अगर दोनों में माइक्रोफोन की बात करूँ तो दोनों में आपको माइक्रोफोन मिल जाते हैं, और डिज़ाइन आप आइडिया लगा सकते हैं आपको किस तरीके का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है। ईयर टिप्स आपको दोनों में मिल जाते हैं, तो अगर आपको अपनी ईयर फिटिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं तो ईयर टिप्स का यूज़ करके आप चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन वाइज मुझे ज़्यादा अच्छा इसका लगा नॉइस का VS102 मॉडल, वो दिखने में थोड़ा न्यू लुक लगता है, और ये अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड लुक है, कोई ऐसा नया इसमें डिज़ाइन लाया नहीं गया। तो डिज़ाइन वाइज भी आप आइडिया लगा सकते हैं आपको दोनों में कौन सा अच्छा लगा है। चलिए करते हैं टेक्निकल फीचर्स की बात और दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो अगर हम सबसे पहले ड्राइवर साइज़ की बात करें तो आप बीवी F30 में मिलता है 10mm का ड्राइवर साइज़ या 13mm का ड्राइवर साइज़, बॉक्स में 10mm लिखा गया है, और अगर आप फ्लिपकार्ट में चेक करेंगे तो आप 13mm का ड्राइवर साइज़ मेंशन किया गया है और लिखा है एडवांस और या डायनेमिक आपको बेस मिल जाता है। वहीं बात करें नॉइस की तो नॉइस में आपको मिलता है 11mm का ड्राइवर साइज़, बट अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस के मामले में नॉइस आपका बहुत अच्छा है। मैंने दोनों को टेस्ट किया है, ये मेरा फीडबैक है, हो सकता है कईयों को बेस ज़्यादा अच्छा पसंद ना हो, बट अगर ड्राइवर साइज़ के अकॉर्डिंग लिखाएं तो आपको बेस सुनने के अच्छा लगता है और आपको अच्छी बेस चाहिए ट्रैवल चाहिए तो उस केस में नॉइस पहली बारी में विजेता हो जाएगा। अगर नॉइस कैंसिलेशन फीचर की बात करें तो दोनों में ही आपको नॉइस कैंसिलेशन का कोई फीचर नहीं मिलता है, ना एक्टिव मिलता है ना पैसिव मिलता है। कोडेक सपोर्ट की बात करें तो मीवी के इस F30 मॉडल में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि किस कोडेक प्रोफाइल्स को ये सपोर्ट करता है। मगर नॉइस की बात करें तो नॉइस ने कम्प्लीटली मेंशन कर रखा है कि इन कोडेक सपोर्ट प्रोफाइल्स को ये सपोर्ट करता है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दोनों में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि किस फ्रीक्वेंसी बैंड को दोनों सपोर्ट करते हैं। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें
तो आपको F30 में मिलता है 5.0 का ब्लूटूथ वर्जन और इसमें मिलता है आपको 5.1 का ब्लूटूथ वर्जन। अगर बात करें इंस्टेंट पेयरिंग की तो आपको इसमें इंस्टेंट पेयरिंग का फीचर मिल जाता है, नॉइस वाले में इंस्टेंट पेयरिंग का फीचर नहीं मिलता है, बट मैंने दोनों को टेस्ट किया है, दोनों के दोनों सेम टाइम में ही फ़ोन के साथ पेयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट पेयरिंग में या आपका विद इन मिली सेकेंड कनेक्ट होता है और आपका 2 सेकंड में कनेक्ट होता है, दोनों को सेम ही टाइम लगता है। बात करें बैटरी लाइफ की तो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको इसमें 42 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है, बट 42 आवर्स का बैटरी लाइफ का मतलब क्या है ये कंपनी ने कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है कि आपको ये प्ले टाइम मिलता है या स्टैंड बाय टाइम है। अगर इसकी बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको 14 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है, जिनमें से 3.8 आवर्स का एक्चुअल टाइम है अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर IP रेटिंग की बात करें तो इसके केस में आपको मिलती है IPX4 रेटिंग जो होती है स्वेट प्रूफ, और इसके केस में बात करें तो IPX5 की रेटिंग मिल जाती है जो है वाटर प्रूफ। तो इस केस में आपका IP रेटिंग में ये आगे निकल जाता है। बैटरी साइज़ की बात करें तो दोनों में कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं करका है बॉक्स में कि इनका बैटरी साइज़ कितना है, ना ही ईयरबड का ना ही केस का। नॉइस के केस में भी कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया कि इसका बैटरी साइज़ कितना है केस और ईयरबड्स का। चार्जिंग टाइम की बात करें तो आपको ड्यू पॉड्स में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, मगर कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि जो फास्ट चार्जिंग है वो कितना फास्ट है, मतलब अगर आपका केस 0% में तो 0 से 100% को कितने टाइम में चार्ज कर देगा, वो कंपनी ने कहीं भी मेंशन किया, वो करना चाहिए था। अगर आप बॉक्स में भी देखेंगे तो आप फास्ट चार्जिंग बस केवल मेंशन किया है। अगर बात करें नॉइस की इस मॉडल की तो नॉइस का जो ये मॉडल है ये इसका चार्जिंग केस जो है वो 1.5 आवर्स में चार्ज हो जाता है, जो कि किसी भी ईयरबड्स के लिए स्टैंडर्ड है जो इस प्राइस सेगमेंट में आते हैं। अगर बात करें वेट की तो अगेन इसमें मुझे लगता है मिसप्रिंट है ड्यू पॉड्स F30 के मॉडल में, जिसमें मेंशन किया गया इसका वेट है 159 ग्राम्स, जो कि होगा नहीं क्योंकि इतना स्टैंडर्ड वेट आपके जो छोटे स्मार्टफोन्स आते हैं उनका वेट होता है। अगर बात करें नॉइस की तो नॉइस के जो वेट है केस का वो 40 ग्राम्स के आसपास है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किसका केस ज़्यादा हैवी है किसका कम। बट मैं अगेन कहूँगा ड्यू पॉड्स F30 के मॉडल में बहुत सारी मिसप्रिंट्स हैं, तो अगेन 159 ग्राम्स इसका वेट हो नहीं सकता। अगर कंट्रोल्स की बात करें तो दोनों में आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिससे आप प्ले पॉज और आंसर कॉल्स कर सकते हैं। दोनों के टच कंट्रोल्स प्रॉपरली वर्क करते हैं। अगर आपको ये देखना है तो हमारे दोनों वीडियोज जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में, हमने दोनों के वीडियोज डाले हैं। अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों की ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, दोनों में आपको अच्छा बेस मिलेगा, ट्रेबल मिलेगा। बट अगर आपको अच्छा बेस चाहिए थोड़ा और अच्छा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नॉइस वाले प्रोडक्ट को कंसीडर करिए, क्योंकि दोनों के प्राइस जो है मॉडल्स के वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, 50-60 या 100 रुपीज अप एंड डाउन है जो डे टू डे चेंज होते रहते हैं, बट दोनों के प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आपको ऑडियो क्वालिटी के पर्पज से देख रहे हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर कॉल क्वालिटी की बात करूं तो दोनों की कॉल क्वालिटी एवरेज है, दोनों से आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको बहुत अच्छी कॉल क्वालिटी का फीचर मिलेगा, क्योंकि दोनों में आपको नॉइस कैंसिलेशन का फीचर नहीं मिलता है। अगर लेटेंसी की बात करूँ तो अगेन दोनों में आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी, मतलब अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं या कोई भी OTT एप्स चला रहे हैं ईयरबड्स को कनेक्ट करने के बाद, तो आपको मिलीसेकंड्स का लैग दिखेगा। मिलीसेकंड्स भी कहना थोड़ा गलत होगा, बट अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको लिपसिंग में हल्का सा गैप देने को मिल जाएगा, जो कि एकदम बेसिक चीज़ आ जाती है दोनों ईयरबड्स में जो इस सेगमेंट में आते हैं। अगर वॉइस असिस्टेंट फीचर की बात करूँ तो दोनों में आपको गूगल और सिरी का ये फीचर मिल जाता है, जिसको आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने आज के वीडियो में देखे दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं बेसिक मेजर डिफरेंस आपको फिर से रिपीट करूं, बेस की बात करें तो नॉइस वाला ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं IP रेटिंग की बात करूं तो IP रेटिंग के मुकाबले भी ये ज़्यादा अच्छा है। अगर चार्जिंग की बात करूं तो आपको इसमें फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, बट अगेन क्या फास्ट है कितना फास्ट है वो कंपनी ने मेंशन नहीं किया। बेसिक चीज़ें आपको दोनों में नहीं मिलती, नॉइस कैंसिलेशन का फीचर नहीं मिलता, बैटरी साइज कहीं मेंशन नहीं करका, ये सब फीचर्स कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं करके। तो दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए? तो अगर दोनों में से आपको जो भी प्राइस में सबसे कम मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको दोनों सेम रेट में मिल रहे हैं तो मेरा सजेशन आप नॉइस का लें, बट अगर आपको दोनों में मेजर डिफरेंस प्राइस का दिख रहा है तो जो भी सबसे कम प्राइस में मिल रहा है आप उसको ले सकते हैं। लास्ट में आपको दोनों की ईयर फिटिंग्स पे दिखा देता हूँ। तो अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये है मेरा वीवी का ड्यूपॉड्स F30 मॉडल, तो आप इसकी फिटिंग देख सकते हैं और लुक वाइज ये कैसा दिखने में लगता है। और अगर लेफ्ट साइड आपको दिखाऊँ तो ये है नॉइस का VS102 मॉडल, तो इसकी भी आप फिटिंग देख सकते हैं लुक वाइज दोनों दिखने में कैसा लगता है। अगर हेड शेक करूँ तो दोनों की ही हेड शेक के बाद भी फिटिंग बहुत ही अच्छी है। अगर आपको फिटिंग में तब भी डाउट लगता है या प्रॉब्लम फेस होती है तो आप दोनों में ईयर टिप्स आपको मिल जाते हैं, आप ईयर टिप्स की मदद से इनकी फिटिंग अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अभी भी डाउट है कि आपको कौन से ईयरबड्स लेने चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आकर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।